घर में ही जिम स्टार्ट कर दी। दिखे वही अनवर भाई, बॉडी बना रही। अगर बेटे तुझे खतरनाक बॉडी बनानी है ना सिक्स पैक वाली, तो इनके चक्कर में मत पड़, डंबल बम्बल से कुछ ना होता। डाइट ले, रेगुलर लोड़ा शेक पी, बॉडी कुछ खतरनाक बनेगी, सेक्सी बॉडी एकदम। चूतलों में भी कटा जा। गाइज, मैंने इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग देखे, कुछ पागल देखे, कुछ समझदार, कुछ जिम्मेदार और कुछ जलील देखे और जाहिल देखे। जाहिल जैसे हमारे दोस्त लोग होते हैं, ये साले इतने बड़े पागल होते हैं। कल पापा के साथ मार्केट में था मैं, तो हमारा एक दोस्त मिल गया, तो छुट्टे के कह रिया, और भोसड़ी के क्या हाल है। अबे मैंने की पापा पापा साथ में, तो कह रिया अबे पापा है तो क्या हो गया। मैंने गुस्से में थोड़ी बकी है गाली, प्यार से ही तो बकी है। अबे गांडू, तूने गाली तो बक दी, और पापा से कह रिया और अंकल जी आप कैसे हो। तो सौले, तूने मेरी लगबादी घर जाके, मुझे क्या हुआ तुझे बताओ कुछ। मैं आप लोगों को कुछ बताने के लिए आया हूँ, मतलब ये बहुत जोखिम का काम है, पर मुझसे हालात देखे नहीं जा रहे हैं। और काफी दिन से मैं इंस्टाग्राम पे लड़कियों की आईडिया चेक कर रहा हूँ, उस पे सिंगल सिंगल लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जिम्मेदारी मैं उठाऊं। तो जितनी भी सिंगल लड़कियां हैं मुझे डीएम करें, मैं आप सबसे प्यार करूंगा, और जितना हो सके आई लव यू भेजें, मैं तैयार हूँ ये जोखिम उठाने के लिए। धन्यवाद। तो गाइस, आपको लग रहा होगा कि मैं एक चूतिया हूँ जो यहाँ पे खड़ा हूँ खामोखा में। मैं आपको बता दूं, मैं चूतिया नहीं हूँ और ना ही मैं खामोखा में खड़ा हूँ। मात्र 10 मिनट बाद स्कूल की छुट्टी होने वाली है, तमाम सो लौंडी इधर से गुजर गुजर के जाएंगी ऐसे कर करके, तो मैं हलूंगा ही ना यहाँ से। छुट्टी है यार संडे की आज। झाटो से नहीं बता देता मैं अभी, गाँव का ना ये एक सुबह से हमें यहाँ के पता चला, प्रिंसिपल ने बताई। ये लव ऑफ के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता। अबे आमिर भाई, क्या लौंडिया जा रही है। अबे इसे मैं पटाऊंगा, रुक जा, क्या पता ये मानी जावे। अभी तो कह रही है लव ऑफ के कैरेक्टर में सूट ना करता। ए, ये तो वीडियो बनाने की बात है, सच्चाई तो ये है, कोई धमाका नहीं डालनी। गाइस, हमारे दिल में एक बात आई कि यार क्यों ना हम लड़की सेट करें। तो हमने सोचा अगर गोरी लौंडिया सेट करेंगे तो उसके नखरे बहुत होंगे, क्यों ना काली लड़की सेट करी जाए। हमने काली लौंडिया सेट कर दी, फांस दिया यार उसने। 10 लाख रुपए लग रहे हैं केस रफे दफे होने में थाने से। का बहुत सड़ा इसका। देखो, जब हम छोटे होते हैं सबके अपने अपने सपने होते हैं। मेरे भी थे कि बड़ा होकर यार खूब पढ़ाई करूंगा, बहुत ध्यान दूंगा पढ़ाई पे, या तो डॉक्टर बनूंगा या पुलिस वाला, अच्छी नौकरी करूंगा या अच्छा डॉक्टर बनूंगा, अपने माँ बापों का नाम खूब ही रोशन करना। पर यार जब बड़े हुए तो 10वीं पास तो कर ली 3 बार में, 12वीं ना हो रही। माँ बाप अलग गाली बकरेंगे, भोसड़ी के तेरे बस की ना है और ये ना है। मैंने कि हाँ बस की तो है ही ना, पर मैंने दोबारा ले लिया एडमिशन 4थी बार। आपको देखते हैं आपके होती है कि नहीं। भाई, मोहल्ले में एक आदमी आया है, वो आतंक मचा रहा है मोहल्ले में, लोगों को मार रहा है, और तुम्हारा नाम इस मोहल्ले से खत्म कर देगा। क्या है उसका नाम? पहलवान फैजान है। हाँ भाई, लेकिन तुम्हें कैसे पता? यार हमें तो अपने घर वालों का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। किसी दिन नहा धोके साफ सुथरे कपड़े या जूते बूते पहन के निकल जाओ तो कहते हैं कि ये भाड़ू चल दिए घर से बाहर, अब ये फुक्का गिरी करेंगे, लोंडियाबाजी करेंगे, हमारी नाक कटवाएंगे। और जिस दिन ऐसे रहो कि कपड़े वपड़े मत पहनो, वही लोवर टी शर्ट में रहो और नहाए धोए भी ना रहो, तब कहेंगे घर वाले के यार एक ये आएगा भोसड़ी का, खुद तो सड़ा हुआ है, तो कपड़े भी सड़ा हुआ ही पहनता, नहा धोके नहीं रह सकता। अब रहो तो आपद, ना रहो तो आपद, यहाँ घर वालों के क्या अटपटे दिमाग है, मेरी समझ से बाहर हो गया। पापा ऐसा है, मेरा फोन खराब हो गया, बता रही हूँ, ये रहने दो, मजे ले दो जिंदगी का, मुझे घूमन दो, घूम ये कपड़े ला के दो, मुझे पैसे दो रोज के 50,000 रुपए। देखो, कोई भी खुशी की बात है ना उसे मनाना चाहिए, लेकिन अकेले में या अपनी फैमिली के साथ दोस्तों के चक्कर में मत पड़ना, वरना गांड बच जाएगी। मेरे साथ हो गया ऐसे ही, कल 500 रुपए मिले, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा 500 रुपए मिल गए सड़क पर पड़े हुए, मैंने अपने ये बात दोस्तों को बता दी, वो भी बहुत खुश, हम सब खुश। अब वो बोले यार जब 500 रुपए मिले हैं तो आओ कुछ खर्च कर लेते हैं, खाने पीने कर लेते हैं। मैं बोला हाँ यार मिले ही तो हैं, दोस्तों में खर्च हो जाएंगे, तो अब हम चले गए। अब 500 रुपए मिले थे, खर्च करवा दिए बहन के लड़ों ने 1300। मैं बोला ये तो 1300 खर्च होगा यार, 500 मिले थे। बोले यार 500 मिले हैं, उसकी खुशी में अपने पास से भी तो कुछ खर्च करेगा ना। तो ये बहन के लड़े बहुत सुअर होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना भाई, अब घर कैसे जाऊँ, 1300 रुपए के मसाले वसाले मंगाए थे। अबे जब तेरी औकात नहीं है मेरी गाड़ी में तेल डलवाने की, तो तू मांग के कैसे ले गया, चल जा यहाँ से। Excuse me, अब
अभी मैंने देखा आपको बहुत खतरनाक तरीके से डांट रहे थे वो, लेकिन आप टस से मच नहीं हुए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो, पहली नजर में देख के कोई भी लड़की आप पे मुतासिर हो सकती है। अरे काय की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तुमने मुंह ही तो देख लिया, बस गुस्से में है, नीचे को तो मूड निकला पड़ा। तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मेरे साथ गद्दारी करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? गलत सोच है तुम्हारी। अबे सालों गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, धड़ से अलग। बदमाशी मैंने भी की है, बस कुछ टाइम से बदमाशी छोड़ रखी है। और चाहो तो तीनों के तीनों मुझसे भिड़ के देख लो, अभी अकेला तीनों को मारूंगा, तीनों को। अगर मूंड हो तो आ जाओ भिड़ लो। डर गए साले चिल्लर। अबे तुम तीन में अकेला फिर भी तुम्हें डर लग रहा है, ये डर चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। गाइस ये जो जींस चल रही है बेल बॉटम वाली, छोटी छोटी मोरियों की, जब शुरू शुरू में आई तो बहुत लोगों ने पहनी, फिर और लोगों ने पहनी, अब हम देख रहे हैं कि सारा सभी बेल बॉटम की जींस पहन रहे हैं। यार मैंने कि पता ना यार क्या मैटर है, ज्यादा अच्छी चीज है क्या है। हम पहुंच गए लेने, जब हम लेने पहुंचे तो हमें पता चला गाइस वही लोग ज्यादा पहने हैं जिन्होंने अपनी टांगे सुखा ली मुट्ठी मार मार के। साले ढक रहे हैं टांगों को इन छोटी छोटी जींसों से, दिख तो है नहीं रही। अब मेरे टांगों पे मत चलना।